मध्य प्रदेश में 2023 के लिए टिकट के दावेदार अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। पार्टी का धरना प्रदर्शन हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम, इन सब के बहाने वो जनता के बीच जा रहे हैं। इस बीच ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर भाजपा नेताओं के बीच सबसे ज्यादा घमासान मचने वाली है। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर की पूर्व और दक्षिण सीटों पर बीजेपी के टिकट के लिए मचेगा घमासान। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर बीजेपी के टिकट के लिए मुन्ना लाल गोयल, माया सिंह, अनूप मिश्रा और आशीष अग्रवाल कर रहे हैं जोर आजमाइश। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, अनूप मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, समीक्षा गुप्ता और सांसद शेजवलकर के बेटे प्रांशु शेजवलकर टिकट के लिए सक्रिय हैं। ये वो सीटें हैं जो बीजेपी का गढ़ कही जाती थी, लेकिन अब कांग्रेस के पास है। ऐसे में पार्टी का हर नेता इन सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहा है। तो हर एक चुनाव में होता है, ऐसा तो नहीं होता आजकल कि किसी विधानसभा सीट पर एक ही ताकतवर उम्मीदवार है, एक ही ऐसा व्यक्ति हो जो जिसको पार्टी चुनाव लड़ा सके। दो दो तीन तीन चार चार हमेशा होते हैं इस तरह के लोग, पार्टी उसे भी तय करती है। इन दोनों सीटों पर दावेदार अभी से ही पार्टी और बड़े नेताओं को किसी न किसी तरीके से अप्रोच करने में लगे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी में टिकटों का बंटवारा बड़ी मुश्किल से होने वाला है, फिर भी ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास होंगी और कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हर आदमी की इच्छा रहती है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, विधायक बनूं, तो जो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, लेकिन 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस पूरे ग्वालियर जिले की 6 सीट जीतेगी। बहरहाल ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी टिकट दिलाने से लेकर उन्हें जिताने तक लगेगी, क्योंकि वो नेता केंद्र की राजनीति में बैकडोर और मेन डोर से एंट्री तो कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब वोटर्स और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पैठ भी दिखानी है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।